मुख्यमंत्री जी, आपकी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से हुई है, क्या बात हुई है? क्या उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही है क्या? आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन्होंने की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी, उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, और ये आज ही मिल जाती है। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए, तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी। उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है और आज ही हमने कहा है जी। आज ही ये पूरा प्रोसीजिंग है, इसका जो प्रोसीजर है इसको करके, क्योंकि उसमें जो FIR दर्ज होता है और सारी बातों को लिखना पड़ता है, हर तरह की चीजें और लिख करके वो तत्काल भेजेंगे और आज ही सरकार की तरफ से भी कंसेंट उसमें हो जाएगा। मतलब आज सिफारिश हो जाएगी सीबीआई इंक्वायरी की बिहार सरकार की? बिहार सरकार की तरफ से आज ही। अच्छा, उनके परिवार का अजीत पिताजी का कंसेंट आ गया है, इसलिए इमीडिएटली। और आप तो जानते हैं, शुरू से कह रहे थे सीबीआई की इंक्वायरी तो सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये तो तभी रिकमेंड कर सकेंगे बिहार में जो FIR दर्ज हुआ है, अगर उनके FIR को कराने वाले उनके पिताजी हैं, गांधी के पिताजी, अगर उनकी तरफ से आ जाएगा तो हम लोग तत्काल भेजेंगे। और आप जानते ही हैं कि जब FIR दर्ज हुआ तो बिहार की पुलिस ने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी और सब कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था जी। और आप जान लीजिए कि किस तरह से एक IPS ऑफिसर गए और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी गई, महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी गई जी। और तब वहां पर पहुंचे जी, तब आप सोचते कि उसको क्वारंटाइन का जो चक्कर लगाया गया तो अच्छी बात नहीं है, तो व्यवहार नहीं हुआ जी। लेकिन फिर भी बिहार की टीम इंक्वायरी के लिए निरंतर लगी हुई थी और जितना संभव खूब जम करके लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी वो जो चार पुलिस अधिकारी हैं, हम लोगों के चारों तरफ से ये प्रस्ताव आता था सीबीआई, जो कि स्वाभाविक है, अगर सीबीआई कोई भी जांच करेगी तो उनका दायरा तो और बड़ा है ना जी, वो तो इसलिए वो तो बेहतर होगा ही। लेकिन हम लोगों के सामने था कि FIR दर्ज किया, अगर हम लोग अपनी तरफ से करेंगे तो इसका उनको पता नहीं क्या असर पड़े, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो इमीडिएटली हम लोग करेंगे। तो यही हुआ हमारे, वही उन्होंने अपना कंसेंट दिया है और आज ही उस पर जो आज ही सिफारिश हो जाएगी और आज ही यहाँ से रिकमेंडेशन चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए जी, धन्यवाद।